अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज नासिर सलीम, आई एम फ्रॉम द एड्रेस रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स वेरी अराउंड कराची के अंदर। अगर आप बेहतरीन किस्म के जो है 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मैं आपके लिए बहुत सस्ते किस्म के जो है वो पेशेंट लेकर आया हूँ, जहाँ पे क्या क्या पोजिशन भी मिल चुकी है और क्या कहते हैं और 250 स्क्वायर यार्ड के बहुत सस्ते प्लॉट्स यहाँ पे अभी मिल रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये सारी डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा। इसकी जो है कितनी क्या कहते हैं सारी लोकेशन, इसके करंट प्राइसेस और इसकी FBR वैल्यू, ट्रांसफर टैक्स, सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगा। इसकी लोकेशन, मेन गेट से कितना डिस्टेंस है और यहाँ पे क्या कहते हैं क्या क्या इम्यूनिटीज वेरियड हैं जो हैं दी हैं, ये सारी चीज़ें इस पेशेंट के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो एंड तक ये इस वीडियो को देखिएगा और चलें आपके साथ जो है वो फर्दर जो है डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। बहरिया टाउन कराची क्या कहते हैं ये जो पेशेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बिल्कुल रफी स्टेडियम के करीब है और 250 स्क्वायर यार्ड का जो है ये पेशेंट है, जो कि ऑन पेपर जो है 272 स्क्वायर यार्ड है, लेकिन जो है कहने के अंदर आपको जो है 250 स्क्वायर यार्ड आता है, लेकिन जो है ऑन पेपर जो है 272 स्क्वायर यार्ड है और मेन गेट से जो है क्या कहते हैं यहाँ तक का रास्ता तकरीबन जो है ये 25 किलोमीटर है, 24 से 25 किलोमीटर। तो ये तकरीबन आपको जो है सेम अमाउंट पर मिनट लगा लें, तकरीबन 25 से 26 मिनट आपको जो है यहाँ पे पहुँचते लगेंगे और इसके अंदर बहुत सारा जो एरिया जो है वो हाइटेड लोकेशन का एरिया है और अच्छे प्लॉट्स हैं यहाँ पे। कुछ जो है मतलब थोड़े से जो प्लॉट्स हैं वो डिप्रेशन के हैं जो कि नाले के करीब हैं, लेकिन जो है मोस्ट ऑफ द प्लॉट जो है यहाँ पे अच्छे हाइटेड लोकेशन के प्लॉट्स हैं और जो क्या कहते हैं प्रेशर 33 के बिल्कुल सामने एरिया है वो बहुत हाइटेड एरिया है, टॉप हाइटेड लोकेशन पे। तो ये सारी चीज़ें लेने से पहले आप जो है वो देख लीजिएगा इस पेशेंट के अंदर, बहरिया टाउन कराची के अंदर पेशेंट 32 की बात कर रहा हूँ मैं, ये 250 स्क्वायर यार्ड के सारे प्लॉट्स हैं और इसके अंदर जो है तीन मस्जिद भी इन्होंने बहरिया टाउन कराची जो है इसके अंदर दी गई है बहरिया मैनेजमेंट ने, और प्लस इसके अलावा यहाँ पे स्कूल भी है, प्लस कमर्शियल एरियाज भी दो अदद दिए गए हैं यहाँ पे। और एक और चीज़ यहाँ पे जो है इस पेशेंट के अंदर राइट नाउ अभी जो है यहाँ पे एक डैम भी बना हुआ है, तो बहुत से जो है अट्रैक्टिव प्लेसेस है वो आपके बहुत सी फैमिलीज जो है वो यहाँ पे विजिट करते हैं, ज़्यादातर जो है फैमिलीज जो है यहाँ पे इंजॉय भी करती हैं। आके एक और चीज़ आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ कि इस पेशेंट के अंदर जो हाइटेड के जो लोकेशन के प्लॉट हैं जैसे एंट्रेंस के पास, तो ये यहाँ पे पार्क को जो काफ़ी बड़े एरिया पे दिए गए हैं ये, और ये टॉप हाइटेड की लोकेशन के प्लॉट्स हैं और यहाँ पे इसकी जो अभी क्या कहते हैं पोजीशन और यूटिलिटी चार्ज हैं, यहाँ पे भी अगर आप नॉन पेड और पेड प्लॉट्स के अंदर लेंगे तो ये डिफरेंस आएगा पोजीशन यूटिलिटी चार्जेस का, तो 2,33,000 और 280 रुपीज़ जो है पोजेशन चार्जेस हैं और 2.5 लाख रुपये जो है इसकी यूटिलिटी चार्जेस हैं, तो ये सारे मिला के तकरीबन आपको जो है 483,840 रुपीज़ बनेंगे, प्लस इसके अलावा जो है ट्रांसफ़र फीस जब आप ये ट्रांसफ़र के लिए जाएंगे तो 1,06,800 यानी कि 1,68,00 रुपीज़ आपको जो है ट्रांसफ़र फीस पड़ेगी, और अगर आप क्या कहते हैं इसकी जो ट्रांसफ़र के वक्त आपको जो है टैक्स भी पे करना पड़ेगा, जो कि फाइलर और नॉन फाइलर के हिसाब से मैं आपको बता दूँ 2% आपको जो है अगर आप फाइलर हैं तो आपको देना पड़ेगा, और बेशक आप फाइलर सेलर हैं या फिर बायर हैं तो, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको जो है वो बायर के हिसाब से आपको 7% देना पड़ेगा और अगर आप सेलर हैं तो आपको 4% देना पड़ेगा, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। आप अगर क्या कहते हैं फाइलर हो जाए तो आपको जो है ये 5% आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर कर दी। और नॉर्मली अगर आप कोई भी प्लॉट लेने जाते हैं तो आपको यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 दिन का जो है वो टाइम मिलता है, अगर आप जो है ट्रांसफ़र के हवाले से अगर आप किसी के पास जाएंगे तो बहरिया में आप ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा, और आप अपने प्लॉट्स की असेसमेंट अगर लेना चाह रहे हैं उसके टाइमिंग वगैरह अगर आप सेल करना चाह रहे हैं या फिर बाय करना चाह रहे हैं किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ जो है फर्दर डिटेल्स शेयर कर दूँगा। और जहाँ तक बात है इसकी जो है लोकेशन आपके साथ मैंने शेयर कर दी, अट्रैक्टिव प्लेसेस भी रफी क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पे और जीना के करीब ही पड़ता है, थोड़ा सा जो है तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर आपको जो है ये पड़ेगा जीना से, और टोटल एरिया आपको जी मैंने बता दिया।
प्लस इसके अलावा एफिल टावर भी जो है यहाँ से करीब है, जिला के करीब तो है ही, प्लस इन फ्यूचर यहाँ पे भी रिजर्व एरिया भी बहुत सारे रखे गए हैं। स्कूल ऑलरेडी इस प्रिसेंट के अंदर मेंशन है और तीन मस्जिद भी हैं इस प्रिसेंट के अंदर, तो फ्यूचर में काफ़ी जो है यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्शन आपको मिलेगी। और जहाँ तक बात है कि आप इस पर जो है यहाँ पे प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हो, तो अभी यहाँ पे प्लॉट्स जो है बहुत सस्ते हैं, और आप लेके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्द आपकी जो है वो प्राइसेस इंक्रीज होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। इस मिशन के अंदर अभी कंस्ट्रक्शन बहुत क्या कहते हैं हो जाएगी, क्योंकि इन फ्यूचर काफ़ी यहाँ पे कम रेट है। तो अराउंड आपको जो है यहाँ पे अभी मेरे पास जो प्लॉट अवेलेबल है वो तकरीबन 56 लाख के दरमियान अवेलेबल है अलॉटमेंट के साथ। जी हाँ, तो आप अंदाज़ा लगा लें, अगर आप नॉन पेड की तरफ जाते हैं तो आपको 50 लाख के अंदर भी जो है यहाँ पे 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिल जाएगा। और अगर आप हाई एंड पे जाते हैं, जैसे अगर एक्स्ट्रा कॉर्नर लैंड के कॉर्नर और एक्स्ट्रा लैंड के साथ है, तो वो डेफिनेटली थोड़े से इसके जो है हाई हो जाएंगे रेट, तकरीबन 60 से 62-63 लाख के दरमियान आपको जो है वो मिल जाएगा अगर कैटेगरी प्लॉट के अंदर जाते हैं कॉर्नर और एक्स्ट्रा लैंड के साथ। और अगर पार्क फेस है तो उसके भी 10% लगता है, कॉर्नर 10% और पार्क फेस है तो उसके भी 10% चार्जेस होते हैं, और ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और क्या कहते हैं, अगर आप कोई भी ऑप्शंस अगर चाह रहे हैं कि मैं आपको डिटेल्स सेंड करूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं दिव्या नंबर पे, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ जो है उस पर शेयर कर दूंगा। और इंशाल्लाह मैं एक क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, उसके अंदर सारी डिटेल्स आपको पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर आप अगर आप अपने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह जल्द मैं पूरी वीडियो सीरीज आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।